जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे Everybody blow the dead! Uploading
पकड़ो उसको, तुम सामने से पकड़ो उसको, चलो चलो। वो इसके सांस अभी बाकी है, वो खुदा का शुक्र है। आभारी रहूंगी, आगे दीजिए। दुनिया में कभी कोई राह न थी, हर राह किसी ना किसी मुसाफिर की ठोकर ने बनाई है। हमें भी अपनी राह खुद बनानी होगी। जिन अभागों ने अपने सर से कभी तूफान गुजरते देखा है, वो ये नहीं जानते कि असली तूफान तो तूफान गुजर जाने के बाद ही आता है। इतनी तड़प क्यों है आखिर? कहां मार लगी है? अरे बोलोगी नहीं तो कैसे दवाई देंगे? बताओ तो सही, कहां चोट लगी है? सब कुछ कीजिए तो। मर गई। भाई तुम्हारी ये वेल मछली तो किसी के काबू आने वाली नहीं, वो अपने दुख कोई बहुत बड़ा दुख समझ रही। अरे कोई बताओ इसे कि इस भयंकर तूफान ने कितनी तबाही मचाई है। दो आदमियों को तो जहाज से खींच कर समुंदर की तह में समाधि बना दी उनकी। डॉक्टर साहब, हाँ? कल रात क्या वाकई दो आदमी मर गए? अजी सच पूछिए तो एक मरा है, दूसरे ने तो खुदकुशी की है, आत्महत्या। यानी साहब अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ रहा हूँ ऐसे, और समझा रहा हूँ कि जो तूफान में डूब गया वो बच नहीं सकता। तुम उसे बचाने का हीरोपन दिखा के क्यों मरना चाहते हो? तो आप जानते हैं क्या कहने लगा भागा? क्या कहने लगा? कहता है आप बुजदिल हैं, ना मर्द हैं, छोड़िए मुझे। मेरे देखते देखते कोई इंसान यूं मर जाए और मैं उसे बचाने की कोशिश भी ना करूं तो उसके साथ क्या मेरे अंदर का इंसान भी नहीं? अरे मुझे तो आप कुछ कुछ वैसे ही लग रहे हैं। जरा और गौर से देखिएगा, बिल्कुल वही लगूंगा। अब यानी कि आप जिंदा हैं? यानी कि मेरी बीवी जो मेरे बारे में कहती है वो ठीक है? क्या कहती है आपकी बीवी? अरे वही जो आपने उस वक्त कहा था। हाय हाय मैं मर गई। हाय अरे क्या कर रही है? समझ नहीं, लेट जाओ तुम, हिलो मत, लेटी रहो। डॉक्टर साहब, इनको तो कोई भीतरी चोट लगी हुई है मालूम होता है। समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वो इसको क्या चोट लगा है हमको मालूम है। वो इसका रूह में छुरा उतर गया है। रूह में छुरा? हाँ, इसके मीठे शोरबे का गोल गोल अंडा खुदा ने हमारा मुकद्दर में लिखा था, हमारा पेट में पहुँच गया है। हराम खोरो, नाक पीटो, मेरा रसगुल्ले नासूर बनकर फूटेंगे तुम्हारे कलेजे पर, ऐसा हो जाएगा तुम लोगों को, खून की उल्टियाँ करोगे। ओए खुदा, हमशीरे का रिज़क हमारा पेट में दिया, हम अपना रिज़क हमशीरे के वास्ते देता है। लो ब्रदर लो, ये तो बड़ी मेहरबानी है। नंद ये रोटी नहीं इंसानियत है, अगर ना खानी हो तब भी इसे रख लो, इससे इनकार करना बहुत बड़ा पाप होगा। बड़ी महान बात कह रहे हैं, ये तो प्रसाद जैसी पवित्र चीज है नंद बाबू। अपना काम निपटा के मैं भी खाऊंगा, रखना मेरे लिए। लो रख लो। सुनिए। क्या है बच्चे? आपको बुला रही है। बुला रही है कौन? जो बहुत अच्छी है ना, लंबे लंबे बाल वाली, जो बहुत सुंदर है वो।
तो चलो फिर चलता हूँ। अरे खबरदार जो यहाँ से हिला तो खेलता हूँ। अरे किसी दुखियारी ने बुलाया है तो पूछने ना जाऊँ, उसे क्या दुख है क्या संकट है। अरे तेरा सब दुख संकट यहाँ पर क्या समझे, बैठ जा बैठ। ए आफत की पुड़िया इधर आ, इधर आ जा आ जा। एक बात बता, छिया करके धोती बांधना आता है? नहीं, मेरी दादी बांधती है। धोती बांधना आता नहीं है और लौंडिया परखना आ गया है? अच्छी है, सुंदर है, जा, नहीं आता मेरा नन। तेरे झिंगुर को थोड़ी बुलाया है। है? तो फिर किसको बुलाया है? ये बाबू साहब है ना, उनको बुलाया है। मुझे? हाँ, और बहुत जल्दी। अरे पर कौन है कौन वो? अरे बता तो रहे, बड़ी अच्छी है, सुंदर है। जाइए। ये ले मोटी। क्या तबीयत ज्यादा खराब है? रात को डॉक्टर साहब तो नशे में धुत अपना कमरा बंद करके पड़े रहे। जो भी डॉक्टर ही करनी थी आप ही ने की। अच्छे भी हो गए थे पर आपके जाने के बाद एकदम सब उलट पुलट हो गया। और अब तो दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही। आप परेशान मत होइए, मैं देख लेता हूं। आप किसी भी तरह डॉक्टर को यहाँ लाने का उपकार कर दीजिए मुझ पर। यहाँ आने की फीस ज्यादा मांगे तो उनके पास ही ले चलेंगे, पर इनको दवा तो मिलनी चाहिए ना। इस हालत में उनका वहां जाना ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को यहीं ले आता हूँ, फीस का फिर देख लेंगे। आइए डॉक्टर साहब। ये कहाँ है? इधर सर। डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर नीचे इस नैया में हम मुसाफिरों के लिए उसकी जीती छवि तो आप ही है ना। भगवान से मिला दिया, इतनी महानता। पर इस महानता की लाज रखना अपना धर्म क्यों नहीं समझते आप? जी? कल से आज की ये घड़ी आ गई और आपका पता भी नहीं। जी, अब जहाज में सैकड़ों घायल मुसाफिर हैं और डॉक्टर साहब बेचारे अकेले हैं, किस किस की खबर रख सकते हैं? श्रीकांत बाबू, आप मेरी सफाई न दीजिए। अरे हम डॉक्टरों को मरीजों के रिश्तेदारों की फटकार सुनने की आदत होती है। अच्छा तो ये कौन लगते हैं आपके? रोगी के रोग से आपके सवाल का क्या संबंध है भला? रिश्ते नातों की खोज में अब और समय बर्बाद न कीजिए। जरा देखिए तो, सांस चल भी रही है या नहीं? अच्छा, ये परेशान है, आप बुरा न मानिए। अच्छा, छोड़िए आपसे क्या कहना। श्रीकांत बाबू आप जरा मेरे साथ चलिए। मैं अभी आता हूं। रोहिणी, मुझे अकेले छोड़कर न जाना। आइए आइए बैठिए। आपकी इतनी परेशानी से तो मालूम होता है कि
मरीज की हालत काफी खतरनाक है। अरे वो तो बात की बात है, पहले ये बताइए श्रीकांत बाबू कि ये जो आप अपनी जान पर खेल गए उसके लिए तो ये किस्सा क्या है? किस्सा? डॉक्टर साहब ये तो इंसानियत की बात थी। हाँ बस वही पूछ रहा था, इंसानियत की बात। चाय तो पीते हैं ना आप? जी हाँ पीता तो हूँ। गुड, वेरी गुड। बिस्किट? बिस्किट भी खाता हूँ, लेकिन आप मुझे यहाँ चाय के साथ बिस्किट खिलाने लाए हैं क्या? श्रीकांत बाबू, जैसा बोगस इस बोगस जहाज की कंपनी के डॉक्टर को होना चाहिए, मैं डॉक्टर उतना ही बोगस हूँ, मगर आदमी उतना ही खरा हूँ। अब ये बताइए कि आप शादीशुदा हैं या अभी तक कुंवारे हैं? इस बात का इस समय क्या तुक है? बहस मत कीजिए, जवाब दीजिए। ठीक ठीक। अच्छा कुंवारा हूँ तो क्या? तो भिड़ जाइए। भिड़ जाइए? क्या मतलब? मतलब उठ जाइए नहीं, भिड़ जाइए। बहुत ही फॉरवर्ड चीज है। कौन सी चीज बहुत ही फॉरवर्ड है? अजी वही चीज जिसके लिए आपने इंसानियत का बोलबाला कर दिया था, वही सुंदरी। डॉक्टर साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप अपने दम तोड़ते हुए मरीज और उसकी मुसीबत की मारी धर्म पत्नी के लिए ऐसी नीच बात कर सकते हैं। अजी कैसी धर्म पत्नी, कहाँ का धर्म पत्ना, आचनाई यारी का मामला है, अबडक्शन का केस है, 7 साल चक्की पीसना पड़ता, हथकड़ियां डाल के ले जाते हैं। लीजिए चाय पीजिए। अजी लीजिए भी। लीजिए बिस्किट भी लीजिए। पता नहीं क्या देखा उसने उस साले में, मुझे तो छत में उल्टा लटका चमगादड़ मालूम होता है। अब आपको चमगादड़ लगे या बगबागड़, वो मरीज है और दम तोड़ रहा है। अब आपको उसके लिए दवाई देनी है तो दीजिए, वरना मैं देता हूँ भाई, देता हूँ। आप चाय तो पीजिए, दवाई भी देता हूँ। भाई तो सकता नहीं, वो टाइफाइड भी हो गया। अब फिर ये किस्सा ही उल्टा है जी। आप उल्टा किस्सा भी बता दीजिए, लेकिन दवाई जरा जल्दी दीजिए। उल्टा किस्सा यूं है कि वो लौंडिया भगा के ले जा रही है उस लौंडे को। मैंने कहा था ना आपसे, बड़ी फॉरवर्ड चीज है। मैंने आप जैसा डॉक्टर दुनिया में कहीं नहीं देखा। देखेंगे कहां से, मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। लीजिए, हर घंटे के बाद एक खुराक और एक पुड़िया दीजिएगा, और देखिए इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, वरना कोई दूसरा बेड़ी। शट अप। एक दुख भरे संकट में फंसी हुई मान मर्यादा वाली ब्याता स्त्री के खिलाफ आपने जो बातें कही हैं, उनके लिए मेडिकल बोर्ड से शिकायत करके आपकी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट छीनवा लूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। उस बीमार की जान लेने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन अगर आपकी दवाई मेरे लिए होती तो अपनी जान दे देता, लेकिन इन्हें हाथ नहीं लगाता। नेकी करने का जमाना नहीं रहा डॉक्टर, कलयुग में पैदा हुए हो तुम। डॉक्टर ने कुछ भी तो नहीं, कुछ भी ना कहने के लिए डॉक्टर को पूरा 1 घंटा लगा। मतलब? तब तो मतलब यही हुआ कि उन्होंने सब कुछ कह दिया। डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है ना, बस 1-1 घंटे बाद 1-1 खुराक दे देनी है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। इनके कपड़े बिल्कुल भीग गए हैं, आप इन्हें बदल डालिए। सुनिए जी, कपड़े बदलने की कृपा भी आप ही को करनी होगी। क्यों, ये आपके पति नहीं है? नहीं तो? तो फिर कौन है? अगर आपकी खोज आपके लिए बहुत जरूरी है तो इतना ही जवाब दे सकती हूँ, ये मेरे कोई नहीं है।
और सब कुछ है। क्षमा चाहता हूँ। तो आप इनके कपड़े बदल देंगे या कुछ और प्रबंध करवाऊं?